नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है जनता टीवी के खास कार्यक्रम चैत्र नवरात्रि के महापर्व में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो चैत्र नवरात्र का आगाज हो चुका है और इसी के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि ये बेहद पवित्र दिन होते हैं। मां के नौ स्वरूपों की किस तरीके से पूजा करें, आराधना करें, क्या क्या भोग आपको लगाने हैं, किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान आपको रखना है, ताकि कोई भूल चूक जो है वो ना हो जाए और आपकी जो सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए इन नौ दिनों में। और क्या कुछ विशेष इन नौ दिनों में रहने वाला है, वो तमाम जो कंफ्यूजन है वो हम आपको दूर कर देंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बिल्कुल, तो दर्शकों फिर शुरुआत करते हैं चैत्र नवरात्र के इस खास कार्यक्रम की, और आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में कि किस तरीके से नौ दिनों में आपको माता के नौ स्वरूपों की आराधना करनी है। तो चैत्र नवरात्रि के इस महापर्व में आप सभी जो भक्त हैं वो माता के जयकारे में लगे हुए हैं। लगातार कोशिशें होती हैं कि नौ दिनों में किस तरीके से आपको भोग लगाना है, ताकि कोई भूल चूक ना हो जाए। लेकिन इन दिनों का महत्व जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। अब महत्व इसलिए भी क्योंकि ये नौ दिन जो होते हैं माता को समर्पित होते हैं, और माता की नौ शक्तियों को किस तरीके से पूजा जाता है नौ दिनों में आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना का महोत्सव चैत्र नवरात्रि आरंभ हो चुका है। हर साल चार बार नवरात्रि का व्रत रखा जाता है, जिसमें दो गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि शामिल है। इस साल चैत्र माह की नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही है। इस साल नवरात्रि के पहले दिन सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग समेत कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। नौ दिनों तक व्रत रखते हैं, माँ भगवती की विधिवत पूजा उपासना करते हैं और उनसे सुखी जीवन की कामना करते हैं। ऐसे में नवरात्रि के नौ दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के पूजा के साथ उन्हें नौ दिनों तक विशेष चीजों का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। मानव की सुख समृद्धि के लिए नौ दिन नवरात्रि वरदान स्वरूप है। इन नौ दिनों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदायत्री, भगवती के नौ रूपों की पूजा का विधान है, जिसके द्वारा भक्त अपने तन, मन और धन को देवी शक्ति को समर्पित कर वरदान पाते हैं। चैत्र नवरात्रि 2024 का सभी नवरात्रि में विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना के दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रि पर देवी पूजन और नौ दिनों के व्रत का बहुत महत्व है। नवरात्रि के नौ दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नौ दिनों में माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जा सकता है। चलिए, आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में पूजा अर्चना की जाती है और भक्त जो माता के भजन जो है वो करते हैं। नौ दिनों का अपना ही एक विशेष महत्व रहता है। हमारे साथ अमित जी हैं स्टूडियो में, उनसे हम जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ महत्व है इन दिनों का, और साथ ही क्या कुछ मुहूर्त जो है वो रहने वाला है पूजा का। जी अमित जी, सबसे पहले तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अब हिंदू नववर्ष 9 तारीख को शुरू हो रहा है और हिंदू विक्रम संवत 2081 और संवत्सर काल युक्त हो रहा है। ये दो अपना हिंदू जो नववर्ष विशेष तौर पे इसकी शुरुआत आज ही हो रही है। अब कहते हैं ना कि शुरुआत इंग्लिश में कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन, तो वेल बिगिन हो कैसे सकता है, बिना माँ के कृपा प्राप्त किए हुए कैसे हो सकता है। मतलब आप खुद तो शुरू करते ही हैं, लेकिन अगर माँ का आशीर्वाद मिल गया तो फिर क्या कहने हैं।
माँ की सुरक्षा, माँ से अच्छी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता है। अपने संतान के लिए माँ जान भी दे सकती है, तो इसलिए माँ की पूजा करके अगर चलेंगे तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति करके आपको खुश रखने की कोशिश माँ करेगी, यदि आप उनको मातृ रूप में आज नववर्ष में पूजा कर लें। तो देवी के जो बहुत रूप हैं उनमें से कुछ नौ रूप विशेष तौर पर बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनका खास गुण है, जिस गुणों की आप आराधना करके उनसे वो गुण से आशीर्वाद प्राप्त करने की, सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यही इसका महत्व है। तो शुरुआत मतलब नववर्ष के शुरुआत में पहले दिन से ही पूजा करते हैं करके आप पूर्ण करते हैं, उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस से अपना साल शुरू कर देते हैं ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो इसमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि पहले तो ये समझ लें कि इस बार माँ किस सवारी से आ रही हैं, किस सवारी से जा रही हैं। तो माँ इस बार घोड़े पर आ रही हैं और जाते समय हाथी से जाएंगी। तो घोड़े पर आने पर कहते हैं कि इसमें युद्ध की आशंका होती है, लड़ाई के राजाओं में परस्पर युद्ध होता है कहा गया शास्त्र में, तो ध्यान रहे कि इस समय पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं इस तरह की, जो कुछ वायलेंस जैसी बात हो सकती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि माँ जा रही है हाथी पे, तो ये अच्छी बात है, शुभ है। तो इसलिए क्या है कि इसमें एक बात होगी, जो भी होगा युद्ध, जो भी गड़बड़ी होगी, उसका फाइनल रिजल्ट अच्छा ही होगा, मतलब होगा कि अपराधी या बुरे तत्व जो हैं वो मारे जाएंगे और उसके बाद विजय होंगे, जो अच्छी अच्छी ऊर्जा होंगी, अच्छे लोग होंगे, उनका उदय होने का, अच्छा होने का बन रहा, तो ये एक शुभ बात भी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बार फोन आते हैं कि भाई इस बार तो घोड़े से आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत गड़बड़ हो जाएगा, फाइनल अच्छा ही होगा, तो ऐसा मान के चलें सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना है कि मुहूर्त में घट स्थापना जो होती है दोपहर से पहले और तिथि के प्रतिपदा मतलब पहली तिथि जो स्टार्ट होगी फर्स्ट डे उसके पहले तिहाई में होनी चाहिए और 12 बजे से पहले, दो कंडीशन। दूसरा, चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग दोनों नहीं होना चाहिए। इस बार बहुत मुश्किल है, वैधृति योग तो हो ही रहा है, छोड़ नहीं सकते उसको, मतलब ऐसा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, इसलिए इस बार पूजा में गलती मत कीजिएगा कि थोड़ी सी कमी दिख रही है ना, तो फिर क्या है कि अगर आप नेगेटिव करेंगे तो थोड़ा आसानी से नेगेटिविटी बढ़ भी सकती है, तो इसमें लापरवाही नहीं करनी, सावधानी बरत के चलनी है। तो आपको बता दें मुहूर्त क्या है। सबसे पहले मुहूर्त आ रहा है आपका सुबह 6:02 से लेकर के 10:16 का, ये मुहूर्त शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का। अगर किसी वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं कि आप इसमें नहीं कर पाए, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, खासतौर पर स्त्रियां पूजा करती हैं ज्यादातर घर में, तो अगर स्त्रियां कर रही हैं उनको जिम्मेदारियां नहीं कर पा रही हैं, तो आप डिप्रेशन में ना जाएं, टेंशन न लें, परेशान ना हो, बिल्कुल दुखी ना हो, माँ की पूजा करें सबसे पहली बात। हाँ, ये है कि चूंकि टेक्निकल तरीके से पूजा करें, कि माँ माँ मन करके कोई फॉर्मेलिटी नहीं करें, ऐसा नहीं, अगर करें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर प्योरिटी चाहती हैं, प्योरिफिकेशन चाहती हैं, शुद्धि चाहती हैं, अपने अंदर पाप का दोष का निवारण करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो इसीलिए आप ये पूजन कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर एक अभिजित मुहूर्त भी होता है जो दोपहर के समय होता है ना, दोपहर के समय तक ही करना है, तो ये लास्ट मुहूर्त होगा क्योंकि दोपहर के बाद तो कर ही नहीं सकते हैं। तो दोपहर का मुहूर्त आता है 11:57 दोपहर से लेकर के 12:48, ये समय मिल रहा है, इस समय पर भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप इन समय भी कर लिए तो खुश रहिए, अच्छे समय पर कर लिया है। अब यह ध्यान रखना है कि कैसे करना है पूजन। आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी पूजा कर सकते हैं और थोड़े से पैसे से पूजा कर सकते हैं। आपने पहले सबसे पहले सोचिएगा, क्या आपने माँ को, अब माँ की कभी आरती किया है आपने, कभी माँ को कलश करके पूजा किया आपने? नहीं किया ना। माँ को क्या है, माँ से जाकर के जल्दी से गले से लग जाइए तो माँ को बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे ने मुझे प्यार दिया। माँ को प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, और आपको माँ यही देती भी है। तो इसलिए सबसे पहला तो ये हमेशा याद रखिए कि आप उनको मातृ रूप में पूजन कर रहे हैं तो बहुत प्यार से करना है, जो कुछ करना है चाहे कम हो चाहे ज्यादा, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि माँ देवी है, देवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, धरती की चीजें देंगे उनके लिए, तो सिर्फ भाव आपका बहुत जरूरी है। बस ये कि शुद्धि और कुछ नियम का पालन करेंगे तो आपको खुद फायदा होगा, माँ का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको शुद्ध होना है, सब जगह की सफाई करने लिए जहाँ पूजा करना है, कोशिश करें कि मूर्ति रूप में ना करें पूजा, फोटो रख लें तो बहुत अच्छी बात है, फोटो में भी मेटल स्टील वगैरह लोहा वगैरह ना हो, आजकल लोहे के फ्रेम भी आते हैं, तो सिंपल से सिंपल रखें। आजकल 24 कैरेट गोल्ड का भी छोटी सी माँ के रूप मिल जाता है, लैमिनेटेड होता है, मेरे हिसाब से आप वो करेंगे तो बहुत बढ़िया। आप पूरे गोल्ड की तो मूर्ति नहीं ले सकते या फिर मूर्ति नहीं खरीदा सकते, इतना आसान नहीं है, बहुत लोग खरीदते भी हैं लेकिन आम आदमी नहीं खरीद पाता, तो वो गोल्ड छोटी सी ले लें, लेकिन गोल्ड के होने से प्योरिटी होती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अगर फोटो है तो फोटो में सिंपल रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, मेटल वेटल ना हो तो बहुत बहुत अच्छा हो जाता है, और उसको रख लें। और नौ रूप है माँ का तो बहुत अच्छी बात है, एक ही फोटो के अंदर तो आसानी हो जाएगी आपको पूजा करने में। उसके बाद क्या करना, सबसे पहले गणपति जी का आह्वान करना है,
और उसके बाद फिर देवी की पूजा करनी है। लेकिन करना क्या, इन सब प्रोसेस के पहले सबसे पहले आपको शुद्धि करनी है। शुद्धि के लिए हाथ को दाहिने हाथ पे, दाहिने हाथ को सामने रखें ऐसे, उसके नीचे बायां हाथ रखें, इसमें जल रखना है और बोलना है ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्थां गतो अपिवा यस्मृत पुंडरीकाक्ष सबायाभ्यंतर हसुचि, ऐसे करके वाइब्रेट करके मंत्र को बोलिएगा और अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा तो आप पवित्र हैं। आप नहा धो के बेशक बहुत शुद्ध हो के आए, लेकिन क्या है कि आपने दरवाजा छुआ या कुछ भी छुआ, कुछ सामग्री छुआ, पॉलीथिन छुआ, उसमें भी गंदगी लगी थी, किसी के पसीने लगे थे, तो अशुद्धि हो ही जाती है। तो हाथ धो करके आप शुद्धि मंत्र पढ़ लें। आप कहेंगे कहाँ मिलेगा मंत्र, तो आप नेट पर जा करके ढूंढ लें कि शुद्धि मंत्र, तो मैंने जो बताया है ओम अपवित्र करके आएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, उस तरह से मंत्र बोल लीजिएगा। ये सबको आना भी चाहिए। अगर ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी हैं, तो उसमें भी आप ऐसे करके मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। शुद्धि जरूरी है। उसके बाद फिर आपको संकल्प लेना है, अपना नाम गोत्र नक्षत्र राशि, और बताना है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि को मैं देवी माँ की प्रसन्नता है, उनके पूजन है, तो कल स्थापना करने जा रहा हूँ। कृपा करके हे परमात्मा मुझ पर कृपा करें, आशीर्वाद दें, जिससे मैं कार्य निर्विघ्न पूर्ण कर सकूँ, इसका फल मुझे तक्षण प्राप्त, तक्षण जरूर बोलिएगा, तो फल मिलेगा 10 साल के बाद, तो कोई फायदा फल मिलेगा जरूर, तो इसलिए तक्षण बोल देंगे तो तुरंत रिजल्ट आएगा पूजा के बाद। उसके बाद आप संकल्प लेके भूमि पे गिराएंगे, फिंगर टिप्स की तरफ से ऐसे करके गिरा दें। ऐसे कर दिया मतलब आप करने जा रहे हैं। उसके बाद करना जरूर, ये नहीं कि वो बेल बजाया और आप भूल गए पूजा करना, नो, एकदम पक्का करना है। एक बार संकल्प के बाद संकल्प पूर्ण होना चाहिए। इस तरह से करके आपने शुरू कर दिया। सबसे पहले गणपति जी को नमस्कार कीजिए, उनकी फोटो को नीचे चावल अक्षत बिछाइए, उसके फोटो मतलब आसन दीजिए उसका, आप वस्त्र वगैरह पीढ़े वगैरह जो भी संभव है आप कर सके उसके ऊपर अक्षत जरूर बिछाएं। अक्षत बिछा करके, हल्दी वाला अक्षत जो होता है उसको बिछा कर उस पर उनको आसन दें, देवी माँ को भी ऐसी आसन प्रदान करें, और उसके बाद फिर पहले गणपति जी को ओम गम गणपतये नमः नमस्कार करके उसके बाद दीपक जलाएं, धूप फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध, फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध इत्यादि गणपति को जलाएं। गणपति जी को पीला प्रिय हो तो पीला कीजिएगा। जोत जलाते समय विशेष बात का ध्यान रखना है कि जोत अक्सर क्या होता है, जोत आगे की तरफ लौ रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। गणपति जी को तो सेंटर वाली जोत होनी चाहिए और देवी माँ को लंबी जोत होनी चाहिए, लेकिन देवी की तरफ जोत नहीं होनी चाहिए, जोत आपकी तरफ होनी चाहिए। ये पूजन का तरीका हो गया। अब कलश स्थापना के लिए आपको बुलाते हैं। कलश स्थापना के लिए एक पात्र लें, उसमें मिट्टी डालें और उसके अंदर जौ बोएं, जौ बोने के बाद उसमें थोड़ा सा छींटा मारें, थोड़ा सा दुग्ध का भी, गंगा जल का भी छींटा मार करके हल्का सा रखें, उसके ऊपर कलश भी राजना है। कलश का ध्यान रखें कि नया होना चाहिए, उसके ऊपर ढक्कन भी होना चाहिए। कलश के अंदर जो जल डालें उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें, उसके बाद कि हे प्रार्थना करें, हे गंगा मैया कृपा करके बाकी जल भी मैं डाल रहा हूँ उसको भी अपने जैसा गंगा जल बना दें, पवित्र कर दें, ऐसे डालिए। उसमें सप्तमातृका डालिए, नव रत्न डालिए, सब और धातु जितने पॉसिबल हैं वो दे सकते हैं, पंच धातु या जितने धातु मिल जाए धातु डालिए, इस तरह से उसको एनरिच करना है। ऐसे करके आप उसमें और प्रार्थना करें जल डालते समय कि हे गंगा मैया ऐसे बना दें और सभी नदियों का पवित्रता जल, पवित्र जल इसमें प्राप्त हो जाए। ऐसे करके उसको डालें, उसको बंद करें, उसके ऊपर भी अक्षत रखें, उसके ऊपर नारियल रखें, नारियल को पहले कपड़े में लपेटना है, फिर मौली से बांधना है, उसके सब पे हल्दी का छींटा मारें, उसको भी पवित्र करें, और उसके बाद फिर नारियल रखते समय एक विशेष का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नारियल रखते समय जहां से जुड़ा रहता है पेड़ से, जहां से टूटता है जिस जगह पे, वो भाग मुख कहते हैं उसको, वो आपकी तरफ होना चाहिए और नारियल लेटा होना चाहिए। जितने फोटो देखेंगे कहीं भी नेट पे देखें, कहीं भी देखें, तो खड़ा सा नारियल होता, कभी ऐसा नहीं करना है, लेटा हुआ नारियल होना चाहिए, और आप पूजा करें तो आपकी तरफ मुख होना चाहिए। इस तरह से करेंगे तो आपको शुभ रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से करके कलश स्थापना करेंगे। कलश में ध्यान रहे जो उसका मुख होता है उसमें विष्णु भगवान का वास होता है, उसके गले में जो होता है जो कंठ होता है उसका, उसमें रुद्र भगवान वास करते हैं, उसके बेस में जो है ब्रह्मा भगवान वास करते हैं, और उसके मध्य में जहाँ जल होता है वहाँ पर माँ का मातृ रूप मातृ शक्ति होती है। तो इस तरह से सभी कृपा उसमें पूरी तरह से प्राप्त हुए, तो कलश को महत्व दीजिए, ये नहीं सोचेगा बस कोने में पड़ा है करके, दैविक कृपा है उसमें। तो इस तरह से आप पूजन करते हैं और इसका फल आपको बाद में मिलता है, जब पूर्ण होता है तो यही कलश आपके सारे मंत्र पूजा पाठ को ग्रहण करता है और आप उसको प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया पूजा करने का। उसके बाद भिन्न भिन्न देवी के रूप की पूजा करेंगे आप, बिल्कुल होगा। बिल्कुल, तो अमित जी ने बताया कि कलश स्थापना कैसे करनी है, क्या कुछ शुभ मुहूर्त जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। अब जैसा कि दर्शकों हमने आपको बताया था कि देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन उन तमाम जो 9 देवियां हैं उन्हें अलग अलग भोग जो है वो अर्पित किए जाते हैं। तो सबसे पहले अमित जी हम यहाँ पर जान लेते हैं माँ शैलपुत्री की जब पूजा करें पहले दिन तो क्या कुछ भोग जो है वो हम लगाएं। देखिए माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं और औषधियों के खान है, मतलब हिमालय राज पर्वत राज हिमालय वहाँ पर सत्र की औषधि मिलती है। आज भी हिमालय से बहुत दुर्लभ औषधियाँ प्राप्त होती हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक होती है। तो इसलिए हिमालय राज की पुत्री की जब आप पूजा कर रहे हैं इसका मतलब ये पहले दिन, क्योंकि इतना आसान नहीं होता 9 दिन तक फास्ट रखना, बहुत लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, बहुत लोग कुछ फलाहार करते हैं, आसान नहीं है। तो उसके लिए आपके अंदर शक्ति आ जाए, आप निरोगी रहें, किसी तरह के पेट खराब ना हो, किसी तरह का दर्द ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आपका छूट जाए, इसके लिए माँ शैलपुत्री से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो पूजन करके उनसे आशीर्वाद लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी माँ को गाय का घी चढ़ाना, घी नहीं गाय का घी चढ़ाना है,
और ध्यान रहे कि देसी गाय का घी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा जी। जिसको A2 मिल्क भी कहते हैं, A2 मिल्क के से घी अगर आप बना सकते हैं घर में तो बना भी लें, तो उसका घी वो घी चढ़ाना है। और A2 मिल्क का घी जो होता है बड़ा ही शुद्ध होता है, लोग भूल गए हैं, अगर वो प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है A2 मिल्क से नहीं होता है। तो इस बात को देवी माँ समझती थी, शायद आज गड़बड़ होने वाला है, आप लोग गड़बड़ दूध पी रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बताने की कोशिश, पूजा से आपको ये रिमाइंडर मिल जाता है एक तरीके से, आप इस तरह से पूजा उनका करेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हर माँ के देवी रूप में आपको कौन सा फूल चढ़ाना है ऐसे दिमाग में रहता है, कौन सा फूल से देवी माँ प्रसन्न होंगे, तो एक स्टैंडर्ड रख लीजिए कि चमेली का फूल तो हर देवी माँ को रूप चढ़ाइएगा तो वो प्रसन्न होती है, ये बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल, इनकी पूजा करें। बिल्कुल, अब बात करते हैं माँ यहाँ पर ब्रह्मचारिणी जी की, तो उन्हीं क्या कुछ भोग लगाया जाए? ठीक है, देखिए महा माँ पहले शैलपुत्री माँ का बताया कि मैंने माँ शैलपुत्री का, तो शैलपुत्री माँ का जन्म लिए थी राजा, जब दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी उसके बाद वो सती हो गई थी, तो उसके बाद जब दोबारा जन्म हुआ था हिमालय राज के घर में, तो वहाँ पर जब उनको स्मरण नहीं था शिव जी के बारे में, नाराज जी ने स्मरण कराया कि भाई आपको शिव जी को प्राप्त करना है, क्योंकि पहले ऐसा ही रहता था कि बहुत पतिव्रता होती थी स्त्री, हर जन्म में उसी पति को प्राप्त करना चाहती थी, किसी और के साथ जीवन नहीं जीना चाहती थी, तो उनको बताया ताकि उनको आसानी हो जाए, मदद किया, तो इससे जैसे ही उनको पता लगा अरे मुझे तो शिव जी को प्राप्त करना है, तो उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, वो तपस्या वाला रूप माँ ब्रह्मचारिणी जी का है, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सुख संपत्ति सब कुछ त्याग करके एकदम ब्रह्मचारिणी रूप में आ गई, श्वेत वस्त्र पहना, हाथ में माला और कमंडल धारण किया, और कुछ भी नहीं, नंगे पैर, बिल्कुल कोई वाहन वगैरह कुछ नहीं है, और सिर्फ तपस्या करना शुरू किया। पहले कंदमूल फल वगैरह खाते हुए इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या किया, उसके बाद 3 वर्ष तक गिरे हुए पत्ते खाए। अब इसमें एक बहुत बड़ी गहरी बात है कि लोग कहते हैं ना कि हर चीज़ में तो जीवन होता है, पालक में भी जीवन है, सब चीज़ में, मटर में भी जीवन है, चने में, बहस करते हैं कि भाई नॉनवेज खाने वाले लोग, तो मेरे को भी लगता था, लेकिन जब ये शास्त्र का जब मैंने स्टडी किया गहराई से, तो पता लगा कि गिरे हुए पत्ते में कोई पाप नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता है, वो सिर्फ उसमें गुड़ तो होते हैं लेकिन उसमें जीवन नहीं होता, आप किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, तो वो सबसे पवित्र होता है। तो आज भी कोई कहे कि कोई ऐसी चीज धरती में है, तो हाँ गिरे हुए पत्ते खाएंगे तो आपको विटामिन मिनरल सब मिल जाएंगे लेकिन आपको पाप नहीं होगा, तो उन्होंने वैसे खा के 3000 वर्षों तपस्या करा, तब जाकर के शिव जी उनको प्राप्त हुए। तो ये बहुत ही त्याग का, ब्रह्मचर्य का, और अपने संयम का, वासना से बचने के लिए बहुत ही, तो आप संयम हो जाएगा तभी तो आप नवरात्रि कर पाएंगे, मन में भटकाव आ जाएगा तो फिर याद मुश्किल हो जाएगा जी। बिल्कुल, क्योंकि अब समय की बेहद कमी यहाँ पर हो गई है, हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी तो हमारे तमाम जो माताएं हैं उनके विषय के बारे में हम जरूर जाने, अमित जी से, चंद्रघंटा जी और कुष्मांडा माँ के रूप की हम कैसे पूजा अर्चना करें और क्या कुछ भोग लगाएं? देखिए ब्रह्मचारिणी जी को तो शक्करा भोग लगा लेंगे, उसके बाद जब चंद्रघंटा देवी की बात आएगी तो चंद्रघंटा देवी का जो है वो दूध वाला, क्योंकि चंद्रघंटा देवी जो है बहुत पावरफुल है और बहुत ही ध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो इसमें क्या होता है बहुत सारे मंत्र वंत्र वगैरह से बहुत सारी दिक्कतें, मंत्र क्या ध्वनि ही तो है, तो नाद लोक से इनका संबंध बहुत अच्छा होता है, नाद लोक मतलब स्वर का लोक है, उसमें तरह तरह की आवाजें जो होती हैं धरती में, जो आवाजें सुन रहे हैं आप वो सब नाद लोक से उत्पन्न होता है, तो नाद लोक पर बड़ा अच्छा इनका नियंत्रण है, तो यदि आप इनकी पूजा करते हैं तो आपकी शुद्धि, मंत्रोच्चारण, गायिका है उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी वाणी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत कृपा हो सकती है, तो ये बहुत पावरफुल रूप है, इस रूप में पूजा करने से बहुत अच्छा रहेगा। इसमें दूध इनको चढ़ाया जाता है, गाय का दूध, गाय का शुद्ध दूध इनको चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा भोग हो जाता है इनके लिए, तो इस तरह से करके आप करेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त हो जाएगा, और मंत्र तंत्र से कोई दिक्कत हो रखी है तो उसमें भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी और आपकी वाणी से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी शुद्धि, आपके मैनर्स, आपके बोलने का तरीका वो सब भी बदलने लगेगा, अगर देवी कृपा हो गई तो लोग कहेंगे बहुत अच्छी वाणी है, इसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, वाणी है, वाणी को कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, वो तो देवी माँ की कृपा से प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से होता। और उसके बाद जब माँ कुष्मांडा की बात करते हैं तो कुष्मांडा जो कु मतलब सूक्ष्म और कुष्मांडा मतलब अंडा, तो मतलब छोटा सा, मतलब एक एटॉमिक रूप है, एटॉमिक, आपको पता है कि एटॉमिक बम कितना पावरफुल होता है, क्योंकि छोटा मतलब छोटे लेवल पे ब्लास्टिंग होती है, तो इसलिए क्या होता है बहुत बहुत पावरफुल होता है। तो माँ का जो ये रूप है ये सृष्टि की उत्पत्ति के लिए माँ का हुआ था, माँ की सहायता ली गई थी, ऐसे समय पर क्या है कि जब ये रूप पावरफुल रूप है तो ये बहुत ही पावरफुल है, तो ऐसे केस में क्या होता है किसी को अगर संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वैसे केस में क्योंकि सृष्टि का उत्पत्ति किया था तो आपके संतान की उत्पत्ति करने में क्या दिक्कत की बात है, तो इतनी पावरफुल है कि सभी नेगेटिविटी को, जो विरोधी परिस्थितियां हैं, विरोधी एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उनको संहार करके, उनको नाश करके आपके अंदर गर्भ का स्थापना कर सकती है, संतान के जन्म करने की परिस्थितियां उत्पन्न करके संतान के उत्पन्न करने में सहायक हो जाती है, इतनी पावरफुल है, तो इसलिए बहुत ही पावरफुल रूप है। माँ के इस रूप के लिए मालपुआ बड़ा अच्छा भोग होता है, तो मालपुआ का भोग देने से देवी प्रसन्न होती है और
अच्छा रहता है जी। अब बात करते हैं माँ के जो स्वरूप है स्कंद माता और कात्यायनी, माँ के स्वरूप की, तो क्या कुछ पूजा अर्चना की जाए और क्या कुछ भोग लगाया जी। ये जो माँ का रूप है ना स्कंद माता, स्कंद मतलब गणेश जी, गणेश जी का नाम ही स्कंद है, स्कंद माता मतलब गणेश जी की पुत्री। तो क्या था कि जो आपको चंद्रघंटा देवी का रूप था वो विवाहित वाला रूप है, बाकी ब्रह्मचारी थी ना विवाहित रूप है और सुहागन जैसा उनका रूप है, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है ये माँ बन चुकी है। तो अब माँ बन चुकी हैं तो अब देखिए माँ वाला वात्सल्य वाला प्रेम वाला, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, कहते हैं एक बाय वन गेट वन फ्री, तो यहाँ पे वैसी वाली स्थिति हो जाएगी कि आप पूजा करेंगे माँ का और साथ में गणपति जी भी हैं, तो आप गणपति जी की पूजा कर लीजिए और माँ की, गणपति जी की भी पूजन करेंगे तो माँ प्रसन्न होती, किसी के बच्चे को बहुत प्यार कीजिएगा उसकी माँ खुश होती है ना, और किसी की माँ को बहुत इज्जत दीजिएगा तो बच्चा भी बहुत खुश होता है, मेरी मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग। तो क्या है कि वही है कि दोनों की पूजन कीजिएगा तो दोनों का बहुत प्यारा सा आशीर्वाद मिल जाएगा आपको और बहुत प्यारा सा आपका कनेक्शन बनेगा और इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। ऐसे केस में जब पूजा किया जाता है तो जिनको संतान से रिलेटेड कोई कष्ट है, अगर संतान से प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है, संतान इस लायक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो माँ स्कंद माता की पूजन करें तो उससे क्या होगा, जिस तरह से पावरफुल संतान प्राप्त हुई माँ को जी, जी। उसी तरह से माँ भी आपको भी पुत्र को भी पावरफुल कर देंगे और आपके साथ अच्छा संबंध कर देंगे। इसमें भोग माँ को केला का कराना चाहिए, लेकिन केला भी कोशिश करेंगे शुद्ध हो पवित्र हो तो अच्छा रहेगा। इस तरह से करके एक एक रूप में माँ के ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही पौष्टिक है, बहुत अच्छी है और लोग भूल चुके हैं जी। बिल्कुल, माँ कात्यायनी के लिए क्या भोग लगाया जाए? देखिए माँ कात्यायनी के लिए, माँ कात्यायनी जो है कात्यायनी ऋषि की पुत्री इस रूप में था और इनका तो बहुत ही अच्छा है, खासतौर पर लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए तो बहुत अच्छा, जो हर समय चाहती है कि सुंदर दिखे, ब्यूटी पार्लर जाओ ये करो, तो आप ब्यूटी पार्लर जाके क्या करते हैं, बाहर से कुछ ना कुछ अपने ऊपर कवर करके अपने आपको सुंदर बनाते हो, अगर अंदर से आपको सुंदर बनना है मतलब नेचुरल ब्यूटी चाहते हो तो माँ कात्यायनी का आराधना पक्का करो आप। और ध्यान रहे माँ कात्यायनी का भोग शहद है, तो शहद भी प्योर जो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी होता है जंगल से लिया जाता है, प्योर फैक्ट्री वैक्ट्री में ना बनाओ, ऐसा मिल जाए तो संभाल के रखिए, शहद कभी खराब नहीं होता है, सालों तक रख सकते हैं, तो पुराना से पुराना शहद हो, माँ को भोग लगाएं, स्वयं भी खाने की आदत डालें, बहुत पौष्टिक होता है और इससे क्या होता है चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है, स्किन बहुत कांतिमय हो जाता है। और इसमें जो ब्रज की गोपियां थे वो कृष्ण जी को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने नदी के किनारे पर इनकी पूजन किया था, इससे उनको बहुत सुंदर काया प्राप्त हुई थी। तो यदि आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं है, कोई आकृष्ट नहीं कर पा रही है, किसी रिश्ते के लिए आते हैं लोग देख के चले जाते हैं पसंद नहीं करते हैं, तो आपने पूजा करना शुरू करिए, दिल से कीजिए, सच बताएं रिजल्ट आएगा ही आएगा, मैंने इसका प्रयोग देखा है कि आता है रिजल्ट जी। माँ काल रात्रि और महागौरी की पूजा अर्चना के दौरान क्या कुछ भोग लगाएं? देखिए अब क्या है कि अभी तक तो बहुत प्यारा प्यारा हिसाब किताब चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब होता है कि अब जिंदगी में सब कुछ स्मूथ तो चलता ही नहीं है, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, कई बार आप तरक्की कर गए, आपने कुछ पाप नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन लोगों को जेलस फील हो गया, लोगों ने आप पे तंत्र मंत्र कर दिया, गड़बड़ कर दिया, कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाया जो दैविक शक्तियों से, कुछ बुरी शक्तियों से आपके ऊपर कुछ गड़बड़ कर दिया, ऐसे में क्या करें अब आप या तो बैठे तांत्रिक बने सीखें किसी की तांत्रिक के पास जाएं, नहीं जरूरत है, माँ बैठी आपकी रक्षा करने के लिए। काल रात्रि रूप भयंकर रूप है, इतना भयंकर रूप है कि पूरे देख करके आपको डर लग जाएगा, सामने आ जाओ तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, ये रूप है। और ये आपके लिए नहीं रूप है, आपकी तो माँ है ना, लेकिन अगर आपको जैसे शेर आपको काटने के लिए दौड़ रहा है या कुत्ता काटने के लिए दौड़ रहा है तो माँ क्या करती है लठ लेकर के किसी भी तरीके से आपको बचाने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा कि हिरण अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर का निवाला बन गई, तो इस तरह से माँ इतनी पावरफुली डिफेंड करती है लड़ती है, तो ये माँ का वो रूप है जो आपकी रक्षा के लिए। तो आप अगर पापी नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं, पापी है तो फिर तो भाई बात अलग है, तो इसलिए कि पापी नहीं है तो डरिए मत, पापियों का संहार करने के लिए काफी है, माँ की आराधना करके बोलिए कि मुझ पे बहुत संकट है, बहुत मुसीबत है, कुछ गड़बड़ ऐसा हो रखा है जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रहा या पा रही, तो कृपा करके मेरी मदद करिए, दिल से मांगिए मदद तो मदद मिलेगी। गुड़ का भोग लगाइए, लेकिन गुड़ कौन सा, लोग सुंदर सुंदर व्हाइट व्हाइट गुड़ लाने की कोशिश करते हैं, शुद्ध है साफ है, वो केमिकल से साफ किया जाता है, बहुत डेंजरस है, कभी भी व्हाइट या रेडिश गुड़ मत खरीदिए, गुड़ खरीदिए बिल्कुल ब्लैक, जितना ब्लैक होगा उतना अच्छा होगा, उसमें केमिकल नहीं डाला गया होगा, सुंदर बनाने के चक्कर में केमिकल डाल दो, प्योर गुड़ अगर मिल जाए आपको तो प्योर गुड़ कहीं से भी इकट्ठा करके रखिए नवरात्र से पहले, अभी भी अगर इस बार मिस कर गए तो अगली जब शारदीय नवरात्रि आएगी ना जब दशहरे के पहले, तो उस समय के लिए रख लीजिए, लेकिन रखिए जरूर, गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है और ये माँ को भोग लगाया जाता है, इससे आपकी रक्षा होती है सुरक्षा होती है जी। ये रूप है माँ गौरी की और सिद्धि दायित्री की, तो अब जल्दी हमें हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं कि क्या कुछ भोग लगाए। माँ गौरी का जो रूप है ये बहुत प्यारा रूप है, क्योंकि इसमें शिवजी उनको प्राप्त हो जाते हैं, शिवजी ने उनको क्योंकि बहुत छीण हो गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी, माँ बिल्कुल काली हो गई थी, बिल्कुल कमजोर, क्योंकि खा ही नहीं रही थी, पत्ते गिरे हुए खा रही थी, बहुत त्याग कर रही थी, तो इसलिए तपस्या करते करते जो उनका नुकसान हुआ था शरीर का, तो उन्होंने जल छिड़का और उसके छिड़क करके उनको पवित्र कर दिया, इतनी सुंदर हो गई थी कि बिल्कुल बालिका की तरह लग गए, 16 वर्ष की युवती की तरह से बहुत सुंदर बहुत ही प्यारी सी हो गई थी माँ का, माँ गौरी।
तो ये गौर वर्ण हो गया था, इनको माँ गौरी कहते हैं। तो ये इसमें इनको नारियल का भोग चढ़ाया जाता है और नारियल भी बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए नारियल का भी उपयोग करते रहने से भोजन में। और ये रूप जो माँ का बड़ा सुहागन वाला रूप है, तो किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी होने के पति से अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं, तो उसको बहुत प्रार्थना करना चाहिए, माँ के सभी रूप की पूजा भी करते रहना चाहिए, माँ से प्रार्थना करें, हे माँ जैसे आपको अपने पति प्राप्त हुए, पति आपको प्रेम करते हैं, आपका संबंध अच्छा, इसे मेरे भी संबंध अच्छा हो जाए, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो, प्रार्थना करना चाहिए, चाहे वो आप मैरिड हो चाहे मैरिज होने जा रहा है। और उसके बाद जो आपने बोला सिद्धिदात्री माँ का, सिद्धिदात्री का तो ऐसा ही है कि आपने कंप्यूटर खरीद लिया, सॉफ्टवेयर खरीद लिया, लेकिन इंस्टॉल तो करना पड़ता है, मोबाइल में भी इंस्टॉल तो करना ही पड़ता है। तो समझ लीजिए आपने सब पूजा तो कर लिया, सारी ऊर्जा तो आपने संग्रहित कर लिया, कलश रखा ही हुआ है सामने, उसके अंदर सारी ऊर्जा इकट्ठा हो रही है, बाद में लास्ट में आपके ऊपर आपके अंदर समाहित हो जाना चाहिए ना, ताकि आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाए। उसके लिए माँ सिद्धिदात्री के पूजन करना चाहिए। इसमें माँ का भोग होता है अलसी और तिल जी, ये बहुत ही पौष्टिक, ऑलसी ओमेगा 3 होता है, साइंटिफिकली भी आप जो भी चीज भोग मैंने बताया सबको नेट पर सर्च कीजिए, उसके बेनिफिट्स देखिए और उनको प्रयोग करने की कोशिश कीजिएगा। मास जब सिद्धिदात्री की आप पूजन कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत अष्टसिद्धि नौ निधि की प्राप्ति होने लगेगी और आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस तरह से बहुत अच्छी शुरुआत नवरात्र में कर डाली। बिल्कुल, तो इस चैत्र नवरात्र आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, माँ के 9 स्वरूपों को क्या क्या भोग आपको लगाने हैं ताकि आपकी तमाम मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाए, माँ का वास आपके घर में हो, ये आपने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी दी, आपको चैत्र नवरात्र की ढेर शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने जाना कि चैत्र नवरात्र के इस महापर्व में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और माँ से क्या कुछ मनोकामनाएं जो अगर आपको पूर्ण करनी है, तो इस विशेष तौर पर इन विशेष जो टिप्स आज हमने बताई हैं, जो बातें आज अमित जी ने बताई हैं, उन्हें आप जरूर आत्मसात करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। जय माता दी।